بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا الله جو کچھ پڑھ اور سن رہے ہیں ایسے دلچسپی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، سنجیدگی سے آپ کے کلام کو سمجھنے سننے تفکر کرنے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا صحیح فہم عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So again, there is a request that jitne bhi participants hai, please do not play with the WebEx buttons. Aapke jab bhi bari aayegi, just unmute yourself. Aur jab bhi koi baat karna hai, jab aapko pukara jaye, usi waqt unmute kariye, fauri jo hai, uske baad mute kar lijiye. Usse kahi problems paida ho rahe hain, class ka time bahut waste ho raha hai. इससे पहले की क्लास में भी सिस्टम हेल्ड अप हो गया था, समी बिकेम द होस्ट. चलिए, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आयत नंबर 87 और ये 66 से पूरा आखिर तक कौन सा मजमून चल रहा है, अच्छे लोग बुरे लोग, कयामत का मंजर, और उसमें ये शायद में हम क्या पढ़ा था, ला यम्लिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा. मैंने तुम पढ़े थे लास्ट टाइम इकबाल बेगम, है मन नियत लूंगी हूँ, तो ये आप बात करिए, आप ये पढ़ा था ना? चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हाँ, वाह वन, मैं आपको अन्यत कर रहा था, फिर आप म्यूट हो जा रहे हैं. हाँ चलिए सर, इज्जत करने का है ये सर, आप उसके माइक के करीब जाके आपके माइक की आवाज को ठीक करके. इज्जत करने का है ये बोल रहे थे, नो पढ़ना चाहिए. तो ठीक है, म्यूट कर दे रहा हूँ. ओके, इज्जत करने सा है, आर यू देयर? वालेकुम. वालेकुम सलाम. चलिए क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ करिए. आयत नंबर 87 को ब्रीफ करिए. जी अच्छा. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. कोई सिफारिश है या वहाँ पर नहीं रखेगा मगर जिसने रहमान के पास से इजाजत दी हो, वही शिफात का सिफारिश करने का अख्तियार रखेगा. वकालत तखज़ रहमान वलदा,
अब ये सब फ्लैशेस लगाएंगे, वकालू एक फ्लैश है, दूसरा फ्लैश लगेगा, रहमान वाला दा, ठीक है, दूसरा फ्लैश लगेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए वकालू। और उन्होंने कहा या कालू आके मैंने वाद हर से अस्थाय कालू माजी मतलब जमा मुजक्कर गायता से वारल अत्ता फिजर रहमान गया नदी कौन सा जाए। चलिए चलिए तक रुक रहे हैं क्या आप बीच में किस तरह बात कर रहे हैं जी सर जी लगाना है क्या लगा दिया ना मैं सालों के बाद एक लगा दिया बाकी तो पड़ा एक है पूरा आपको स्लैश नहीं दिख रहा है यहाँ पर और कालू माजी मतलब जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अच्छा उसके बाद अत्ता फिजर रहमान रहमान अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और अत्ता फिजर फेल है रहमान आयल है और वलादा मन गुड गुड आवाज नहीं आ रही है आवाज मेरे को आ रही है आपके सबको आ रही है चलिए जी। तो इसमें बताया जा रहा है कि काफिरों ने कहा कि रहमान ने नजीबा डोंट प्ले विद द बटन्स प्लीज डोंट प्ले विद द बटन्स मैं आपका फिर एनोटेट में आप ले रहे हैं आप जी सही जा रहे हैं बिल्कुल चलिए मैं नजीबा से बोला कि डोंट प्ले विद द बटन्स ने कहा ये तो जब आप समझाएंगे कहने वाले कौन है ये काफिर है या नसरानी है या कौन है बहरहाल ये तो पहले वो अब ये माजी मजारे दोनों भी जो है अल्लाह के कलाम में उसका कैद नहीं है कहा या कहते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल हियर अल्लाह के पास कलाम में मजारे भी माजी के जैसा ही यकीनी होता है हमारे पास माजी यकीनी होता है मुजारे डाउटफुल होता है लेकिन अल्लाह के कलाम में कालू जैसे आपने बहुत उसकी तारीफ अच्छी की थी कि माजी है जो है वो प्लूरल है थर्ड पर्सन है वो कहते हैं या वो कहे से ज्यादा दे और सेम दे दिल से हर जमाने में लोग वो हैं और वो काफिर हैं या अहले किताब भी हैं कोई भी हो सकते हैं उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि वो जो है पूरा एक फ्लैश है ये क्या कहलाता है। अच्छा जा रहे हैं आप इस देर इज ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यू इज अ गुड इम्प्रूवमेंट पूरी बात ये क्या है ये इसको क्या कहेंगे वाला काफिर कहते हैं कि रहमान ने काफिर के ऊपर क्यों हैं काफिर पे क्यों टिके हुए हैं काफिर किसके माने हैं इसलिए कि मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ लाया जाएगा जिक्र आया था इसे पहले कि ये आया था इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि काफिर है हो सकता है हम पहले लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं सर और फिर जो है अब वो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है काफिर नहीं रहमान
रहमान है सब आप किधर बहुत अच्छा जा रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइए यू आर डूइंग वेल इसका खालू का सब्जेक्ट कौन है आलू का सब्जेक्ट काफिर मुझे सर अब काफिर के पीछे क्यों पड़े हुए मेरी समझ में काफिर कहाँ लिखा हुआ है इससे पहले के आयत में जिक्र आया पहले के आयत को छोड़ दीजिए व्हाट वी आर डूइंग लेट अस डिस्कस फर्स्ट दिस आयत या मैं एक अंग्रेजी में उसका सब्जेक्ट लिख दिया पढ़ा जा रहा है आपसे जी क्या है वो आलू ने कहा उन सब ने कहा दे उसका सब्जेक्ट दे है दे कोई जरूरी नहीं है कि वो काफिर हो वो अहले किताब भी हो सकते हैं अहले किताब को काफिर नहीं कह सकते इसलिए कि वो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं लेकिन उन्होंने शिर्क इख्तियार कर लिया कुफ्र तो वो है जो अल्लाह के बात को नहीं मानता या अल्लाह के कलाम को नहीं मानता तौहीद को नहीं मानता सो दे से देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है ना यहाँ पर कहीं काफिर का जिक्र नहीं है काफिर तर्जुमों में वो इजाफत के लिए आ जाता है ना अब ये खालों में दो ही चीजें हैं फेल और फाइल फाइल कौन है वो कोई भी हो सकते हैं ठीक है जी अच्छा हाँ चलिए वो कहते हैं अब इसको क्या कहेंगे जो मैं बॉक्स में रखा पूरा बॉक्स को क्या कहेंगे ये सेल फाइल मजबूत है पूरे बॉक्स को क्या कहेंगे हमारा हेल्पर हमारा सर इसको ये पूरा उसका मखौला है जो उन्होंने कहा मखौला माने दिस इज द डायरेक्ट स्पीच वेरी डायरेक्ट स्पीच है और ये जो है खालू उनके अल्फाज को अल्लाह सुबहानहू तआला वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ करा रहे हैं कि उनका कॉल क्या है देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल उसके लिए ये आया वो कोई भी हो सकते हैं या तो वो मुशरिकीन मक्का होंगे या अहले किताब में नसरानी होंगे या यहूदी होंगे जिन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा माना था या और कोई लोग होंगे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं तो ये पूरा मकौला कहते हैं मकौला माने उनका कौल उनकी जबान में अल्लाह सुबहानहू तआला एज इट इज उनकी बात बयान कर अब मकौले की हम एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने की और सही की हद तकाज़ा है फाइल है बस उनका ये कॉल है कि रहमान ने एक किसी को अपना बेटा बना लिया है चाहे वो फरिश्ते हो मशरिकीन कहते थे अल्लाह की बेटियां हैं या फिर नसारा हो जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे या यहूद हो या इनके अलावा और कोई भी हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहरहाल कुछ लोग ऐसा अब ये पूरी कॉमेंट्री इस मकौले पे होगी 89 से जो आयतें चलेगी 88 में जो मकौला उनका आ रहा है उसके ऊपर 89 90 और 91 92 और बस 92 तक तो लिख लीजिए 92 तक देर इज द कॉमेंट्री ऑन दिस डायरेक्ट स्पीच मकौले के ऊपर कॉमेंट्री है अल्लाह सुबहानहू तआला वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो एक खबर दी गई कि उनका कौल क्या है जी। सही बताया था बिल्कुल अल्लाह ने रहमान को उन्होंने आलू अस्तखज़ा मैंने वो बना लिया है रहमान अल्लाह सुबहानहू तआला सिफात में से एक जिस्म है क्या बना लिया है किसी को अपना बेटा बना लिया ठीक है बहुत अच्छा जा रहा है इसमें कोई
मैं नहीं समझता कि कोई डाउट होगा और इन्होंने देर इज अ गुड इम्प्रूवमेंट इन यू आई डू अप्रिशिएट मगर ये तर्जुमे में आप बिल्कुल ऐसा उसको वो मत हो जाइए कि उससे छिपक गए वो काफिर कहते हैं ऐसा नहीं हम पहले कुरान के लिहाज से हो सकता है काफिर भी हों कुछ भी हों बहरहाल एक ग्रुप है उनका मकौला यहाँ पर रिपीट हो रहा है कॉल रिपीट हो रहा है और वो कॉल के ऊपर 92 तक कमेंट्री होगी इज इट क्लियर नाउ फॉर एवरीवन चलिए 89 अब ये किसकी बारी है अस्सलाम वालेकुम सर मेरी है वालेकुम कौन है राशिदा राशिदा ओके वेरी गुड कम ऑन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकद दी तुम शैयन इद्दा लकद लाम जो है वो कस्मिया है और ताकीदी के लिए भी आता है तब जैसे और सॉरी सर लकद से हम स्लैश लगा देंगे और जी तुम शैयन इद्दा एक पूरा जुएगा ठीक है चलिए आप कहते हैं तो लखत पे एक स्लैश लगा दिए तो फिर ये अगर मैं मजीद वजात के लिए शैयन के बाद भी शैयन के बाद भी लखत जो है लाम जो है तस्मिया भी है और जैसे उसके ताकीदे के लिए भी आता है और कत जो है उसकी डेफिनेटरी के लिए आया है कि जो पहली बात कही है उसके उसके लिए है जी तुम ये फेल और फाइल है जो तुम लाए हो शैयन कोई एक चीज इतना बहुत बारी तो शैयन जो है उसका मफूल हो गया यहाँ से जी तुम से फेलिया जुमला शुरू हो गया और शैयन फेल और फाइल इसमें है किसमें है जी तुम में वेरी गुड फेल फाइल और शैयन उसका मफूल इम्प्रूवमेंट हाँ फेल फाइल क्या है फेल क्या है जी फेल है अच्छा ज्यादा अच्छा आप कंफ्यूज हो जाते जी तुमने आपने कहा फेल फाइल फाइल है फेल नहीं होता शैयन इस पे तंजीम जी तुमने क्या क्या है फेल और फाइल हो क्या तो फाइल कौन है बताइए ना जल्दी से मतलब तुम जो हो जाएगा वो फाइल हम फिर कंफ्यूज क्या क्यों होते हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं तो उतना ही अच्छा रही है ना बीच में प्रेशर के लिए खराब होना अच्छी बात नहीं है शैयन उसका मकूल भी हो गया सही बात खत्म बस अब उसके ऊपर इद्दा क्या है उसकी सिर्फ या तमीज कहेंगे उसे बहुत भारी कहेंगे या तमीज अब ये जी तुम सही है तुम एक चीज लाए हो या मैंने पूरे नहीं निकल रहे आखिर कैसी चीज है जो बात कर रहे हो जो हम मनसूख कर रहे हो किसी को अल्लाह सुबानों का अल्लाह से तो ये जो है दिस इज ये जो उन्होंने कहा था कि रहमान ने कोई औलाद बनाया और इद्दा के मायने क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इद्दा इद्दन इद्दन जो है बहुत भारी यानी के भारी टेरेबल बहुत ही खतरनाक बहुत ही आज को हिला देने वाली बात बहुत ही मजेदार बात जो अल्लाह सुबहानहु तआला को कतई पसंद नहीं है तो जब तक ये इद्दन नहीं आएंगे तो उस वक्त ये शैयन की तारीफ नहीं होगी या फिर उसके बारे में या तो ये नात होगा या फिर जो है उसका जमीर होगी कुछ भी हो सकता है बहरहाल ये जरूरी है कि जो तुम चीज जो बात तुम मना रहे हो जी तुम के माने जो बात तुम मना रहे हो जो कह रहे हो जबान से या जिस पे तुम बिलीफ रखते हो तो कैसी है अब ये लकद ये तहसीस के लिए है कि ये दिस इज डेफिनेट लकद के पूरे के माने ला लखद अलग है लखद जो है परफेक्ट इसके माने ये होते हैं कि इट इज डेफिनेट देर इज नो डाउट इन इट इस बात में नहीं है कि वॉट एवर यू हैव ब्रॉट इन वॉट एवर यू आर टॉकिंग जो भी आपका हॉल है दिस इज इद्दन दिस इज वेरी टेरेबल ये बहुत ही खतरनाक बात है इसलिए कि अल्लाह सुबहानहु तआला
तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं सिवाय शिर्क के। वो शिर्क भी माफ होता है अगर मरने से पहले तौबा कर लिया और ईमान लाया, अगर नहीं वैसे ही मर गया तो वो शिर्क का भी माफी होगा। दूसरे गुनाह फिर अल्लाह जैसे चाहे किसी को माफ कर सकते हैं, किसी को नहीं भी माफ कर सकते। इस गुड यू डिड ए गुड जॉब, फिर एक बार इसको रिवर्स करिए जल्दी से, वी विल मूव टू 19। पूरा घर को और खत को अलग मत करिए, ये पूरे का पूरा जो है ये हर पे तहसीसी तहसीसी मैंने टू शो द डेफिनेटनेस। चलिए चाहे फिर उस किसके ऊपर कॉमेंट्री है, ये आयत नंबर, ये जो आयत नंबर 88 है। वेरी गुड। उनका मखौला क्या था? उन्होंने औलाद रहमान ने कोई औलाद बना ली, बस इसी पे कॉमेंट्री हो रही है कि ये जो मखौला है, ये जो तुम्हारा खौल है, ये यू हैव ब्रॉट ए थिंग, यू हैव ब्रॉट ए थिंग, यू हैव ब्रॉट ए खौल, यू हैव ब्रॉट ए टॉक, जो चीज तुम ले आए हो, दिस इज कैसी है वो, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी को उसके सिफात में या जात में शरीक किया जाए और खुसूसन किसी को उसके बेटा या बेटी से मनसूख किया जाए। तो दिस इज 90 अप टू 92 द कॉमेंट्री विल गो ऑन। आई थिंक दिस आर वेरी सिंपल आयते हैं, बहुत आसानी से समझने वाली। जब ये 89 में एक कॉमेंट्री आई थी, अब उसकी मजीद वजात होगी कि ये इतनी खतरनाक बात है तो इससे क्या क्या हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू? जी सर। वेरी गुड। चलिए ऐसे चलते रहिए, बहुत खूब है। चलिए नाउ आई विल मूव टू 89 की। जी चलिए تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تخر الجبال هدا. क्या पढ़ा आप जी, दोबारा पढ़ूं? हाँ फिर पढ़िए। تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض شين पे شين पे आप तस्दीद से पढ़ शक्ल अर्दो व तखरिल जिबाल हद्दा। चलिए ये अपना बाद में इसको सही कर लीजिए। शीन पे शब्द नहीं है, खाते है, यहाँ पर रहते चीज है, फिर कंशक्कू। आपकी रेटिंग में बहुत जमाने से ये कमजोरी आ रही है, उसको आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। आपके कोई रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, उनका नजर अच्छा है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला नहीं है तो आप उनसे भी मदद ले लीजिए। यू जस्ट करेक्ट फ्यू थिंग्स। आप ही सब अच्छा पढ़ रहे हैं, आप तजदीद पढ़ने में अक्सर गलती करते आए हैं, यू हैव टू करेक्ट दैट पार्ट। चलिए द सेकेंड पार्ट इज क्या है, यू हैव टू पुट दैट तकादुस समावातो तक भी कर सकते हैं और मिन्हो तक भी कर सकते हैं, या मिन्हो तक करूं मैं? आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा, मैं तो सिर्फ आप जैसे मिन्हो तक मैं तकादु पे एक लगा कर करूँ, आपकी इजाजत हो तो। सही है, ठीक है ना? फिर मिन्हो तक हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये भी ठीक है। फिर तंशक्कुल अर्दु तक हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तकुल जबालु हद्दा तक पूरा एक हो जाएगा। बहुत अच्छा। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट द कादा? ये कादा से निकला है
और करीब है, मतलब इसका मीनिंग जो मैंने देखा था उसमें तो, और ये मोनस है से ऐसे आया है, मोनस से का वर्ड। ठीक है, बोलते जाइए, आप रुके मत, मेरे अपने साथियों को सुना रहे हैं, मुझे नहीं सुना। ठीक है, तेल और फाइल उसका मवास इसका फाइल है, शाजिया हरियोदय या अपना अटेंड करके अपने झाड़ू बर्तन या फिर वो कुकिंग में लग जा रहे हैं अपना क्लास को ज्वाइन करके, और ये अटेंटिव नहीं, नहीं नहीं, मैं सुना के कुछ लोग अपना खोल के ये क्लास झाड़ू बर्तन कपड़े धोने में लग जाते हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। आई हर्ड सचनी वॉट इज तकादू, आपसे पूछ लो चार्जियस तकादू यानी करीब है कि मालूम है, सब मालूम है उसके, मैं ये नहीं सब व्हाट इज द ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ तकादू, तकादू कादा से सर, कादा तो सर बिल्कुल दिमाग नहीं आ रहा, वेयर सर ये पी ही तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं, नहीं छोड़ ये चीज सर। फातिमा मतलब बी अटेंटिव, मैं सबको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यू शुड बी अटेंटिव। मैंने कुछ लोग स्लो पढ़ रहे हैं तो आपकी दिलचस्पी खत्म नहीं होनी चाहिए, आपको भी मौका मिलेगा, और जब तक आप सही नहीं बोलेंगे तब तक मैं बीच में नहीं हूँ। लेट मी टेस्ट यू फातिमा, व्हाट इज सॉरी सर समान पोजिशन ऑफ तकार दूसरे जितने समावाद, ये सर ये ऐसा डर से जमा है ये सर, वो कौन है हमारा फेल है का, और तकादू जो है वो इसका मजार है। सर वो आ रहे हो है क्लास में सर आते थे और सदफ हुसैन सर यहाँ पे असमावाद है, अगर वो नहीं असमावाद है, जस्ट आई एम आस्किंग अबाउट तकादू, तकादू कादा यकीदू, अब भूल गए सारे लोग भूल गए, एंड न्यू एंड सीनियर स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर दैट ओनली खाना इज नॉट ए वीक वर्ब, देर आर अदर वर्ड्स विच आर कॉल्ड द सिस्टर्स ऑफ खाना, उनमें से एक कादा भी है, और इसका भी बिल्कुल वही असर होगा जो खाना वाले जुमले का होगा। ये तकादू जो है ये कादा से है, ये काना की सिस्टर कहलाएगी, इसका इस्म हमेशा मरफू होगा, इसका इस्म मरफू होगा, और फिर उसकी खबर आ रही है कि उसकी वजह से मेनू दार मजनू वगैरह उसकी खबर आ रही है। तो ये जो कॉल है ऊपर उसकी कॉमेंट्री चल रही है, कॉल क्या था अत्तखज़र रहमानु वलदा, तो वो क्या कहते हैं कि रहमान ने पकड़ लिया है वलदा, तो उसके लिए अब एक काना के जैसा एक इस्म वो सॉरी फेल है, क्या कहेंगे काना नाक इसको इस्तेमाल करके कादा की तरह, तो इससे एक इस्म आ रहा है समावाद, और वो समावाद क्या हो सकते हैं इस हॉल की वजह से, यह तो सत्तरना, यह तो सत्तरना ये उसकी खबर, सारे लोग म्यूट हो जाएं, रशीदा खावर ही बात करे, खबर हो गई सर, हाँ खबर हो गई, यह तो फरना क्या है, यह तो सत्तरना सारे है फेल मजारे है, और ये
थर्ड पर्सन प्लूरल है, जेंडर क्या है? ये फेमिनिन है। वेरी गुड, ये फेमिनिन है, इसलिए कि ये खाली नून का खत्म हो रहा है या तो फरना न सरना या नुसरना या जैसा था, तो ये क्या चीज या तो फरना के माने क्या हुआ फिर? फट पढ़ना, फट पढ़ना, बस्ट आउट, इसका रूट वर्ड क्या है? पतारा। वेरी गुड, और ते क्या है फिर? ये नहीं, ये इजाफत है, इजाफत है, इजाफत तर, तफत्तर है, इजाफत है। फतरा के माने तो फातर समावाती वाला, जमीन का पैदा करने वाला, भी ओरिजिनेटर के माने में आता है, ये इजाफत है उसके मायने में, बस्ट आउट। अब ये उसकी खबर हुई कि ये ऐसा कॉल है, ये ऐसा कॉल है ना, ये काना की सिस्टर के, कि इस कॉल से मुमकिन है कि आसमान फट पाए, अल्लाह का गुस्सा अगर आ जाए अल्लाह को तो आसमान इससे फट सकता है। सारे नए लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें, जहाँ जहाँ काना के सिस्टर्स आएंगे उनकी बहनें आएंगी, बहनें से मुराद एक फेल है नाखिज जो काना की तरह काम करता है, वो आठ है, उनमें से एक और आज आप सीख लिए, कादा भी काना की सिस्टम है, ठीक है। और फिर वो तकादू मानस की वजह से, समावाद की वजह से आया है, उसका इसम है, और समावाद आसमान ये उसका इसम है, उसकी खबर दी जा रही है कि वो फट पड़ेंगे या वो जो है दे विल टर्न आउट या बर्स्ट आउट इस फॉर। अब ये मिन हु जो है इसमें हु क्या है? जार मजरूर हो गया, हो जो है वो जो उन्होंने बनाई थी औलाद रहमान के लिए उससे जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? जार मजरूर, वो सब नहीं, नहीं। वो जो अब तक अगर रहमान वाला है क्या है वो? ये उसका मकूला, मकौला बस खत्म, ये हु पूरा मकौले के ऊपर आया है कि उस खौल की वजह से ये मुमकिन है, ये इसम की खबर। अब वो इसम की खबर क्या है? यतफतरना, समावात उससे फट पड़ेंगे, मिनहु बिकॉज ऑफ देयर सेइंग दैट अत्तखज़र रहमान वलदा, उसके बारे में कहा गया था कि जी तुम सैयन इद्दा। अब उसी से बात और मजीद बात कही जा रही है, कॉमेंट्री है कि शायद ऐसा खौल है कि इसकी वजह से क्या होगा, आसमान फट पड़ी है आसमान उससे, उससे उस खौल की वजह से, उस खौल की तरह। खौल में तीन अल्फाज हैं, एक अत्तखज़ा है, रहमान है, वलदा है, ये पूरे के लिए खौल चुनके एक है, इसलिए हुआ आया, इस खौल की वजह से शायद के आसमान फट पड़े। इतना अद्दा है, इतना इद्दा खौल है, इतना खतरनाक बात है उनके मुंह से जो निकल रही है कि अल्लाह को अगर गुस्सा आ जाए तो शायद इस खौल से आसमान फट पड़े। दूसरी बात हुआ आया अच्छा, गुड जॉब, वतन शक पुल कर दो और शक हो जाए जमीन, शक का इसका रूट वर्ड है, बहुत अच्छा है, और मॉनस है ये फेल, वेरी गुड, इसीलिए पहनाता है मॉनस, इसका है मॉनस है, और फिर ये पूरा क्या है, ये दोनों में क्या रिश्ता है? तन शक कुल अर्जू, ये अर्जू उसका फाइल हो गया, वेरी गुड, फाइल हो गया, मफूल बोलते बोलते रुक गया, नहीं सॉरी फाइल हो, नहीं बहुत अच्छा, चलिए हाँ, और तन शक को क्या है फिर? शक कहाँ से क्या है? तन शक को वो मतलब पहले मतारा हो गया, नहीं तो सब सही है, शक का क्या मैंने क्या है, शक हो जाना, फट जा मतलब ये भी फट जाना है, या तो फतरना फिर ये भी फट जाना है, या दोनों में कुछ फर्क है? फट जाना नहीं, ये फट जाए, ये भी जो है बस्ट आउट फट जाना है, जी। तो जाना
मतलब हो जाए ना, टुकड़े हो जाए मतलब। अभी जो टुकड़े बहुत बाद में आएंगे, वो तर्जुमों में कई टुकड़े देखिए तो शख्स के मैंने टुकड़े शख्स कैसे चलते, कोई चीज शक हो गई, शाख हो गई, दरार दरार पड़ जाना जमीन में, दरार पड़ जाएगी, इतना खतरनाक हाल है। ये तुम संयम इज्जा, ये तुम इतना खतरनाक बात कह रहे हो या लाए हो अल्लाह के बारे में, इससे आसमान फट पड़ सकते हैं, जमीन में दरारे पड़ सकती हैं, वो तन शकुल अर्जू, और अर्ज जो है दरार में या वो जो है उसके अंदर गैप आ सकता है, जैसे जलजलों में आ जाता है, पूरी जमीन में एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, एक दूसरे से टुकड़े अलग हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें उस पर कॉमेंट्री है, पहली पर कॉमेंट्री ये थी कि ये तुमने बहुत ही मायूस, बहुत ही खतरनाक बात अपने मुंह से निकाली है, और इसके असर से क्या क्या हो सकता है। पहली बात आसमान फट पड़ेंगे उससे, और शक हो जाएगी, शक हो जाना भी उर्दू का ही लफ्ज है, अरबी का लफ्ज नहीं है, शक हो जाना, उसमें दरार पड़ जाना, दरार आ जाएगी। दूसरी बात है ना, एक समावाद के बारे में, दूसरी जमीन के बारे में, तीसरी क्या है, चक्रुल जिबाल खतरा फलत पड़े, चक्रुल जिबाल आखिर, बल्कि आपको कई बार बोला था 5-6 दिन रुक जाइए, मैं कई बार बोला खाली तखीर बोल के आप 5-6 दिन 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद रोक जितने देर रखना मत रुकी है, वरना मेरी पूरी क्लास जो है 5-6 दिन तक। हाँ चलिए, अब ये कह रहा है वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका रूट वर्ड सर्रा है। वेरी गुड, सर्रा क्या माने का है, रेजा होना। अल्लाह, कहीं भी तर्जुमा मिले ऐसा, वो देखिए तर्जुमा जरूर पढ़िए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना देखिए कि तर्जुमे में रेजा रेजा है तो वो कौन से वर्ड के मायने हो सकते हैं, तखीरु या कर्रा के मायने रेजा रेजा नहीं है, बल्कि उसके कुछ और मायने हो, तर्जुमे में कोई और एक लफ्ज होगा, क्या लफ्ज है वहाँ, क्या है पूरा तर्जुमा, इतने टुकड़े का पड़िया खाली हो, तखीर रोल गिर जाए, मतलब गिर जाना, अब ये गिर जाना किसके माने है, ये कर्रा के माने है, फॉल डाउन के माने, हाँ फॉल डाउन, तो अभी यहाँ रेजा रेजा इसको बोलेंगे, वहाँ तर्जुमा जाके मैच ही नहीं होगा, कम अज कम पढ़ रहे हैं तो गिरना किसके माने है, जिबाल के माने है, वहाँ के माने है, हद्दा के माने है, इतना कम अज कम जरूर देख लीजिए तर्जुमे में, इतनी कोशिश तो हर एक कर सकता है कि वहाँ लिखा हुआ है, और पहाड़ गिर के रेजा रेजा हो जाएंगे, ऐसी कुछ लिखा हुआ होगा, क्या है सही तर्जुमा पढ़िए, पहाड़ गिर जाए, कैसे गिर जाए, रेजा रेजा सद्दा, रेजा रेजा होकर, यानी जैसे वो अल्फारिया में पढ़ते हैं कहानी मनफूश, उनकी भी रूह की तरह पहाड़ जो है बिखेर दिए जाएंगे, वैसे यहाँ पर 3 बातें इसके बारे में कही जा रही है, वाला था अर रहमान वाला था के बारे में पहली बात एक कही गई, तो पिछली आयत में थी वो थी 89 में, कि ये बात बहुत ही खतरनाक खतरनाक बहुत ही तकलीफ दे बात है, और इस बात के असर से शायद ऐसा हो जाए जी। वो 3 बातें क्या क्या हो सकता है, आसमान फट पड़ेंगे, जमीन में दरार आ जाएगी, और दरारें आ जाएंगी, हाँ, और पहाड़ गिर जाएंगे रेजा रेजा होकर, हाँ, तो अभी ये हद्दा का क्या मकान है, ये उसका हाल हो जाएगा, हो सकता है या उसके उसका मफूल नहीं होगा, उसकी नात होगी, शिकत होगी जिबाल की, कि वो गिर पड़ेंगे, और तकरीबन जिबाल में क्या रिश्ता है, ये उसका फाइल हो गया जिबाल,
उसका वह तो किसका उसका नाम सकता बन का मतलब फिर ऐसा बन गया ना उसका अवल है उनका अवल है तो फिर वो बात बहुत दूर दूर तक ऐसा बोलिए स्वास्थ्य के फिर वो बाद लोग हैं जिनका अपन नाम नहीं लेते उनका बोलते खाली का फाइल हो गया जबाल और हत्या उसका मतलब पहाड़ तो अब आप तर्जुमे में देखेंगे गिर पड़ना हुद्दा के माने है या तकरू के माने जबाल भी चूंकि मानस है इसीलिए तकरू है और तकरूल जबालू और पहाड़ गिर पड़ेंगे ऐसी हालत में गिर पड़ेंगे खाली बड़ी चट्टान लुढ़क के नीचे नहीं आ जाएगी बल्कि उसके असर से शायद वो रेजा रेजा होकर चूर होकर रेत की तरह बिखर जाएंगे आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू एवरीवन है ना फिर एक बार इसको कीजिए कादा कादा काना की सिस्टर है और समावाद उसका इस्म हो गया उसकी खबर खबर उसके गिरफ्तार नाम इसको हो गई और तंशकुल अंगूर को मत मिलाइए देखिए एनालिसिस करते वक्त उसका ख्याल रखिए खबर इतनी है ये तो करना ही है अब ये क्या मजबूर है दिस इज दिस हैज अ लिंक विद अदर थिंग बिकॉज ऑफ दैट सेम उस फॉल्ट की वजह से ये हो सकता है और फिर यह नहीं हूँ आप हर टुकड़े पर जमा कर सकते हैं लेकिन वो किसी भी जबान में ये तरीका नहीं होता कि कोई बात को बार बार रिपीट की जाए वो तंग फुल अर्जुमेन हो ये भी आप लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उसके मायने समझने के लिए वो तकबालु हदमिन हो जान भी आ रहा पूरा वो जो हम 88 में मखला पड़े थे उसके ताल्लुक से तो इस कॉल की वजह से आसमान बस्ट और फट जा सकते हैं जमीन में दराड़े पहाड़ गिर जाएंगे रेता रेता होकर ये बहुत ही खतरनाक बात है ओके क्लियर टू एवरी वन बहुत आसान है थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ना है जरूर पढ़ लीजिए मुझे अब रोकना नहीं है आपको लेकिन कम से कम तर्जुमे में जो अल्फाज हैं कौन सा मायना किस रबी के वर्ड से ताल्लुक रखता है वो अगर वहाँ से कोई वर्ड नहीं है जैसे अभी इज्जत उन्निसा काफिर के पीछे पड़ गए थे तो उसको छोड़ दीजिए सिर्फ वो ले लीजिए अब वो जो तफसीर में आएगा वो कौन है अहले किताब भी हो सकते हैं मुशरिकीन भी हो मक्का भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो कहा गया खालू वो कहते हैं ये कहने वाले ठीक है तर्जुमा जरूर पढ़ लीजिए आपको पढ़ना है तो मैं रोक नहीं रहा हूँ लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विच वर्ड इज फॉलोइंग द विच अरेबिक वर्ड इज इट क्लियर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स उसने आपका हाथ उठा हुआ है कुछ पूछना है सर एक डाउट है अस्सलाम वालेकुम पूछिए सर वतन सकल अर्द अल अर्द है क्या उसमें जो वतन शक्ल में टी का जो इस्तेमाल हुआ है मोनस नॉन ह्यूमन जिस सारे होते हैं वो मोनस अभी हम वो जो सैटरडे फ्राइडे की क्लास कर रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें करेंगे उस वक्त ये सारी चीजें बताएंगे फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये मोनस है उसके लिए तनशक्को उसके लिए है मोनस क्या होता है उसकी पहचान क्या है मुजक्कर क्या होता है उसकी पहचान क्या है उसकी किस्में क्या है वो हम फ्राइडे एक सिलसिला शुरू किया है बेसिक लैंग्वेज स्टडी का उसमें आते रहेंगी तो उस वक्त आप इस आयत को रिवाइज कर लेंगे ठीक है ये तकजीबान भी मामला है जबल चल आई मूव टू नेक्स्ट आया जी सर गुड चलिए उसके बाद कौन है नाइन्टी वन ओके लेट मी कम टू 90 चलिए अन को सर अलग करेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है दाऊ तक कर सकते हैं अन दाऊ तक रहमान वालदा
तन मस्तरिया हो गया, कहानी वाला फेल के जबर होगा, दा उसका फेल और फाइल हो गया, और उन्होंने दावा किया लिर रहमान दार मजरूर हो गया, वाला दा उसका मफूल हो गया दा आउ का। ये दावा क्या होता है? दाऊ उसका व्हाट इज द रूट वर्ड? दाऊ भी हो सकता है, दा माजी में जाके वाव निकल जाएगा, दा लैंड वाव रूट वर्ड होगा, माजी में दा या दूना वो पुकारते हैं, दा दुआ उसी से है पुकारना या मंसूब करना, उसको मतलब के लिए उर्दू में मंसूब करना पुकारना, किसी को अल्लाह का बेटा कैसे पुकारते हैं। वही बात जो कौन सी आयत में पढ़े थे आप मखौला, उसके कमेंट्री आपकी चल रही थी, वो कमेंट्री में वही आयत को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि ऐसा कब हो सकता है कि आसमान फट सकते हैं, जमीन शक हो सकती है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। एक तो वो उन्होंने कहा था तखर रहमान वलदा, और फिर वही बात को रिपीट हो रहा है अंदाउल रहमान वलदा। उन्होंने एस्क्राइब्ड, उन्होंने क्या किया? दावा किया सर। दावा नहीं बल्कि उन्होंने पुकारा या एस्क्राइब किया, मुंसलिक किया लिर रहमानी के लिए, जार मजरूर मुतालिक कहते हैं। दावा है क्या मंसूब किया? वलदा मकूल हो गया औलाद का, औलाद उन्होंने मंसूब की, और औलाद किसके लिए? लिर रहमानी रहमान के लिए। अब ये जो है वो करते हैं नहीं बल्कि उनका मंसूब करना आना जाने से मजदरिया हो गया कि उनका मंसूब करना या उनका पुकारना है ना, वो पुकारे बल्कि नहीं है पुकारना या मंसूब करना बेटा उसके लिए रहमान के लिए, ये मेर रहमान रहमान के लिए है ना। ये चीजें थी जिसके बारे में कहा गया इन कुल ने क्या कहा गया था प्रकार जो समावात जी, ये जो कहा गया था इसके दो रीजन है, एक आयत नंबर 88 है इस हॉल की वजह से, ये इसके फौरी बात ये आ गई है कि हम दाऊ लिर रहमान वाला था, तो उन्होंने एस्क्राइब किया मंसूब किया या किसी को अल्लाह का बेटा कह के पुकारा या अल्लाह की बेटी कह के, ईसा आयत में नहीं है बेटी हुई थी लेकिन औलाद मंसूब की अल्लाह से, अल्लाह को औलाद से मंसूब नहीं कर सकते वो कोई ऐसी, उसके लिए उसका एक हम जिन्स होना पड़ेगा, कोई मानना सोना पड़ेगा, वो औलाद भी उसके हम जिन्स होगी, अल्लाह की कोई जिन्स नहीं है, अल्लाह सुबहानहू तआला अहद है वहद है, लम जलिद है लम जुलद है ना जी। अब ये पूरा ये दो आयत है उसके ऊपर कमेंट्री 93 में है और 92 में है, दोनों आयतें तकरीबन एक ही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पुकारा इसलिए 93 भी हो सकती है 92 भी हो सकती है, ये उन्होंने बहुत ही सॉरी 92 नहीं मैं गलत नंबर बता दे रहा हूँ, 89 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है, अब करेक्ट भी नहीं कर रहा मुझे मेरी रही थी 89 और 90 दोनों कॉल भी, उनका कॉल भी या फिर ये कि उन्होंने मंसूब किया औलाद को अल्लाह से, इस वजह से 89 यानी बहुत ही खराब बात है ये, और इस मंसूब करने से या औलाद को अल्लाह से मंसूब करने पे आसमान फट सकते हैं, आसमान बर्स्ट आउट हो सकते हैं, जमीनें शक हो सकती हैं और पहाड़ गिर पड़ते हैं रेजा रेजा होकर। इसे क्लियर, ये नए लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो क्लास में भी नहीं पूछते कभी, उसमें भी नहीं करते। आई हैव ए सजेशन,
लेट अस हैव वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, और वो ये कहेगा कि अगर किसी को कोई डाउट है तो ये हमारे इकबाल बेगम आपके पास ये व्हाट्सएप वगैरह से हिंदी का बात करने की सहूलत है। आप बात कर सकते हैं अमेरिका किसी से? हाँ कर सकते हैं सर। व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप। तो एक काम हम करेंगे कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आपको बनाएंगे, और इनमें से अगर किसी को डाउट है तो वो क्लास में भी मेरे से पूछने में झिझकते हैं, या फिर जो है बर्दाश्त कर लेते हैं खामोशी से बगैर समझे के, तो वजह उसके वो आपको वो डाउट बता दें। मेरी आदत बहुत से लोगों को मालूम है, मैं 98% कभी किसी का फोन नहीं उठाता, और मेरे टाइमिंग से वो हमारा क्लास मॉनिटर है, आप उस तक मैसेज पहुंचा दें तो वो हमारा यू आर परमिटेड टू कॉल मी, यू नो माई टाइमिंग्स, किसी वक्त भी तुम मुझे कॉल करके मैसेज पहुंचा सकते हैं, समझने में कहां किसको, मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है। डू नॉट मेंशन मी एनी नेम, व्हाट आर द जनरल डिफिकल्टीज इन फॉलोइंग द मीनिंग ऑफ द आया और द लेसन्स ऑफ द कुरान दैट यू आर डूइंग। सो आप हमारा को बता दें, उसको मेरे टाइमिंग मालूम है कौन सा सूट लगता है, और मैं उसको परमिट कर रहा हूँ कि माय फ्री टाइम्स ही कैन कॉल मी एंड पास ऑन द मैसेज। और जितने लोग अमेरिका में हैं उनको कोई तकलीफ है तो वो भी हमारा को पहुंचा दें, और वो मुझे बता देगी, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, अगर मैं कर सकता हूँ। और मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, जनरल तकलीफ क्या है, गौतम जी ने कि आप लोग तो मुंह निकलते बहुत सारे, तो उसकी वजह से शायद मुझे आपको समझने में तकलीफ होगी, या मैं आपको नहीं समझ सक रहा हूँ, तो वॉट एवर सिल्ली से सिल्ली बात भी अगर है तो डोंट हेजिटेट, आप अपने साथी को तो पहुंचा सकते हैं, वो बात मुझ तक पहुंचा देंगे, और देन एट माई लेवल आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मेरा मकसद ये है कि भी आए वो खाली हाथ ना जाए, आप सब तालिब हैं, आप का कलाम सीखने के ख्वाहिश रखते हैं, तलब रखते हैं, तो मेरा विश्वास बनता है कि मैं हर तरह से आपकी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो उसको दूर करने की हद तक मैं कोशिश करूँ। वो कोशिश उसी वक्त हो सकती है व्हेन आई गेट सम रेस्पॉन्सेस फ्रॉम यू। तो इंडिया से हर आदमी के पास ये सहूलत नहीं होगी तो मेरे से कंटेक्ट करें, तो इंडिया से जितने लोग हमारी क्लास ज्वाइन करें, इकबाल बेगम आप अपने मैसेज पे या जितने हैं सबको आप जानती हैं अपना नंबर दे दीजिए जस्ट, और मुझे किसी के नाम की जरूरत है, डोंट मेंशन द नेम टू मी, है ना, फिर वो जो है उसको हमारा को बता दीजिए, एंड शी विल कॉल मी एट माई लीजर टाइम शी नो, और उसके बाद जो है आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, विल इट बी ओके फॉर यू? हमारा थोड़ी जो है सारे कोई भी कंप्लेंट आता है या कोई डिफिकल्टी आती है तो टेक इट डाउन इन अ सेंटेंस एंड पास इट ऑन टू मी, देन मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई भी प्यासा और भूखा ना जाए इल्म में मेरी क्लास से, बल्कि उसकी हमारा विल्यूटेज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। ये क्लास नहीं, इवन लेडीज फ्रॉम द इवनिंग तफसीर क्लास, हालांकि उसका मॉनिटर अलग है, लेकिन वो इकबाल से शायद जेंट्स में किसी को कॉन्टेक्ट करने में तकल्लुफ होगा, तो इवन इवनिंग क्लास सॉरी इवनिंग क्लास के में भी जितने लेडीज हैं, अगर उनको कोई सिर्फ अपनी डिफिकल्टी बता लीजिए, मैं रास्ते कैसे बदलना, कैसा GPS इस्तेमाल करना, कौन से तरीके से आप तक पहुंचना, आप तक बात पहुंचाना, वो मैं निकाल लूंगा इंशाल्लाह, वो मेरे बरसा बरस के तजुर्बे से मैं कर लूंगा। मुझे सजेशन मत दीजिए,
बल्कि मुझे अपनी डिफिकल्टी बताइए, व्हाट यू आर फीलिंग, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद फिर मैं रिफर करूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरे पास आया था, जिसका भी था उसका सॉल्व हुआ या नहीं। तो इवन आफ्टरनून तफसीर क्लास हो या इवनिंग तफसीर क्लास हो, ओनली लेडीज शुड कॉन्टेक्ट हुमैरा एंड टेल देयर डिफिकल्टीज टू हर, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टॉक टू हुमैरा एंड टेल हर फ्रेंकली व्हाट डिफिकल्टीज यू आर फीलिंग, एंड देन शी विल पास ऑन योर मैसेज टू मी विदाउट mentioning your name. I don't want to hear any name, only the type of difficulty that the inmates are feeling. That is what I want to know. After that, I will address that difficulty to the best of my ability, inshallah. Is this 91 clear? Is the instructions clear? Are the instructions clear? Clear? चलिए, आपके तीन आयते हो गए। जी सर। चलिए, कौन है अब 92? जी सर, मैं शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यम्बगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ा वलदा। तो सर, लिर्रहमानि के लिए तो आप एक लगा दें स्लैश और फिर वलदा तक एक लगा दें। सर कहेंगे जो हुक्म देते मैं वही करता हूँ। ये सर गुजारिश है ये तो। अच्छा, ये कोई बात नहीं की बात है। अच्छा, वो माँ यम बगील रहमान वलदा, तो मैं आप कहाँ लगाना चाह रहे थे? सर एक रहमानी में लगा दें, अपने वलदा में लगा दें। आप इजाजत दिए तो मैं यम बगील का लगा देता हूँ। जी सर, जी सर। लिर रहमान का एक लगा देता हूँ। अच्छा जी सर। बिल्कुल सही है सर। वमा वाओ हर के अर्थ है, ये पिछली बात कंटिन्यू भी हो रही है सर, और ये 88 आयत से ही दोबारा ये कमेंट हो रहा है। और नहीं यम बगी मतलब है कि मुनासिब या अप्रोप्रिएट। व्हाट इज द रूट सर? बगी आया सर रूट। वेरी गुड। बगिया के मैंने क्या सर? बगिया का मतलब यह होता है अगेंस्ट या ऐसे कुछ चीज। हाँ, बगावत जिसे कहते हैं। तो गो अगेंस्ट, उसके मायने उर्दू में हम जो है ये बगावत होगी वो भी मायने आते हैं, लेकिन अरबी की इतनी रिच लैंग्वेज है ना कि उसके अंदर जो है ये तो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, ये बगावत के ही मायने हैं, लेकिन वो उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो फिट नहीं होता, वो बगावत फिट नहीं होता। इसीलिए उर्दू में कोई मौजू लफ्ज हम ढूंढ के कहते हैं कि ये कतई मुनासिब नहीं है, ये कतई मुनासिब नहीं है ऐसी बात करना, ये इंतहाई गैर मौजू बात है, कोई मुनासिब बात नहीं है। है ना कि अपने पेरेंट्स के ताल्लुक से कोई बात करते हो तो कोई भी ये कहेगा बहुत ही गैर मुनासिब बात है, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से अल्लाह का एक मुकाम है, अल्लाह अकबर है वो, तो और फिर उनका एक मुकाम है, और फिर वो तौहीद परस्त कभी ऐसी नहीं कर सकती। तो ये वही कौल है, वो कौन सा है? वो माँ यम बगी, वो यम बगी क्या है? जो मौजू नहीं है, जो मुनासिब नहीं है, जो बगावत भी कहलाएगा कि अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो, और जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है वो कह रहे हो, और वो क्या चीज है, वो क्या बात है? रहमान के लिए आई ये पिछली आया तो मैं जाइए कौन सी बात की तरफ इशारा है? ये मन इंद्र रहमानी रहमान वाला, और दूसरा दूसरे पास 91 में पढ़ा थे अभी, तो ये के दाऊली रहमानी वाला था। दाऊली रहमानी वाला था, ये बातें ऐसी हैं कि ये हरगिज मौजू नहीं है, गैर मौजू है, गैर मुनासिब है। किसके लिए? रहमान के लिए सर। रहमान के लिए, और वही अल्फाज कौन सी बात है? अगर आप भूल गए 91 को और उसको 88 को, तो अल्लाह फिर आप तो याद दिला दे रहे हैं, मुझे भी याद दिला दे रहे हैं, तमाम कारियों को याद दिला दे रहे हैं। ये बात इंतहाई गैर मौजू है, ये बात इंतहाई गैर मौजू है, अल्लाह के साथ कभी ऐसी बात नहीं की जा सकती। यही बात 91 में भी है, 81 में भी है, 88 में भी है।
क्या है वो तहिजा वाला था ये कि वो बनाए बेटा हम यजा वाला ये हम क्या हो गया चलिए बहुत अच्छा ये अलमजरिया है के साथ आता है तो फेल से जमाने को हटा देता है और यत्ता फिजा जो फेल है इसके अंदर है फाइल और वो बनाए फाइल और इसके अंदर यत्ता फिजा को क्या और क्या करता है नजरिया का मैनेजर सब मजरिया का मतलब है कि जो फेल होगा फिर जमाने को हटा देगा एक तो बिल्कुल सही कहा आपने अकाजा यकीजू यत्तकीजू काम ये भी है कि ये आने वाले फेल को जबर दे देगा वेरी गुड एक तो ये जो है ये अन्नजरिया के माने ये है कि आने वाले फेल को जबर देगा उसको मंसूब करेगा जिसकी वजह से उसमें से जमाना निकल जाएगा तो फिर अब मायने क्या निकलेंगे कि उन्होंने पकड़ा नहीं बल्कि उनका बना लेना मैंने उनका समझ लेना उनका एस्क्राइब कर लेना क्या चीज वलदा किसके लिए सर रहमान के लिए या वो बनाए फाइल हो गया और यहाँ पर है जो रहमान के लिए सर लेव रहमान तखीजा वाला था कि वो बना लें या पता लेने का मैंने क्या है मंसूब करें या किसी को रहमान करे या समझे है ना जी सर बहुत अच्छा एक बार अपने साथियों को समझाइए बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं हमें न पढ़े हमारी समझ में नहीं आया क्या करें अच्छा जी सर हाँ और नहीं मुनासिब लिर रहमान सर एक सवाल ये पूछना है सर यमबगी जो इधर है सर क्या ये नाउन के लिए या वर्ब है सर क्योंकि या पहले लगा हुआ नून सर इसकी समझ मुझे नहीं आती कंफ्यूजन थी नहीं नहीं ये इसमें यमबगी इसमें हो गया ठीक है सर दिस इज नॉट सूटेबल ठीक है सर अभी इसको उठा के हम बाजू रख ले रहे हैं किसको रख ले रहे हैं जी सर ये नहीं सूटेबल ले रहमान ये हम नहीं इसको रख लेंगे बाजू अपने पॉकेट में पर्स है ना सर ठीक है पर्स है आई यत्ताखिजा पर्स है जी सर हाँ पर्स में अलीर रहमान को फिलहाल रख लीजिए अच्छा सूटेबल नहीं है आई यत्ताखिजा वलदा हाँ ये के वो बनाए बेटा हाँ कि वो है ना कि वो किसी को अपना बेटा बना ले या फिर वो किसी को बेटे से मंसूब कर ले लेर रहमान है ना लेर रहमान उसको बाद में पर्स में से निकाल के फ्री हैंड डाल देंगे तो फिर पूरी आयत ऐसी हो गई कि अल्लाह वही दो आयते 88 और 90 कौन सा 90 क्या था नाम 88 था 88 के साथ सर नाइन्टी वन अब वो सारों को मिला के फिर अल्लाह उस पर कॉमेंट्री कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट कॉमेंट्री ऑन दैट आयत नंबर 88 दिस इज नॉट सूटेबल दिस इज नॉट सूटेबल ये कोई मौजूद बात नहीं है ये कोई अच्छी बात नहीं है ये तखज़ा वाला था लिर रहमान कि वो जो है मुकर्रर कर लेते हैं मंसूब कर लेते हैं अल्लाह से बेटा ये दिस इज नॉट सूटेबल और फिर वो सारी आयतों को एक दूसरे से गुड मेट करके आप हर जगह यूज कर सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है बहुत खराब बात है जो सही है निद्दा भी है और शायद इस बात की वजह से आसमान भी फट जाए जमीन में भी दराड़े आ जाए और पहाड़ गिरते रेजा रेजा हो जाए ये सारी बात तो 88 to 92 तक एक ही मजमून था और वो शिर्क में और शिर्क में भी खास तौर से अल्लाह से किसी को बेटा या बेटी मंसूब करने के बाद इज इट क्लियर नए लोग ये समझते हैं एंड आई डू सी एन इम्प्रूवमेंट अमंग द न्यू पीपल और मुझे उन पर कॉन्फिडेंस भी है शुरू से भी था अभी भी है कि दे विल पिक अप वेरी सून इंशाल्लाह very soon they will pick up, they will come to the class level.
तो हमारी कोशिश यही है कि हर आने वाला भूखा और प्यासा न जाए। ऐसा नहीं कि हम दावत दे दिए तो फिर कह रहे हैं कि खाना खत्म हो गया है, आप जाइए घर में खा लीजिए। यहाँ से पूरा सैर होके जाना चाहिए, ठीक है ना फातिमा? मेरी बात जो कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं? जी सर। अरे को सेटिस्फाई करके भेजना मेरा काम है। चलिए वो तो नेक्स्ट है 93। जी सर। जी सर। जी जी जरूर। अरे आप कहना चाहें तो मैं कैसे बोलूं? इन कुल्लु मन फिस समावाती वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अबदा। सर इन कुल्लू में एक लगा दे, मन समावाती। क्यों वो नहीं करते? मैं समझ नहीं। आप ये खाली जन्नत अपने लिए रिजर्व कर ले रहे हैं? नहीं तो सर मैंने कहा कि जितने भी आशिक मैं ले ली सर मैं हाजिर हूँ। फिर अली हाजिर होने से क्या होता? सर मेरी मिस्टेक है। अकेले थोड़े ही जाएंगे, अपने साथ दो चार को लेके भी जाएंगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ फिर दो चार को लेके जाने के लिए घर में पड़ोस में भी कुछ लोग हैं, हकदार हैं उसके हैं, तो सब फिर कोशिश कीजिए। आज से नहीं, आप जब से क्लास ज्वाइन करे हैं तब से ये कह रहा हूँ। मैं खुद भी नहीं चाहता अकेला जाना, अगर अल्लाह भेजे तो मैं चाहता हूँ ये 21-22 लोग भी मेरे साथ आ गए। चलिए कहाँ से लैस लगाऊं हुकुम? इन कुल्लू में एक लगा दें, मन समावाती वल अर्दी में एक लगा दें। बहुत अच्छे। इन सामने अगर लगाना है तो लगाए, वरना आगे पूरा ले जाए आतिर रहमानी अबदा। में लगा दें बिल्कुल सही है, नहीं पूरा एक ले लेते हैं। ठीक है सर। चलिए 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 सर। इन नहीं कुल्लू तमाम मन जो फिर समावाती वल अर्दी जमीन आसमानों और जमीन में इल्ला मगर आती वो आए अर रहमान ही रहमान के पास या अर रहमान के पास अबदा बंदगी में। ठीक है सर। ठीक है सर। अभी जरूर है कि सर ये पूछा था कि सर कुल्लू जैसे हम क्या इसको इस्मिया कहेंगे कि कुल्लू तमाम? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है तो सर मन फिर समाम आती वाल अभी तक खबर होगी कि पूरी होनी चाहिए सर खबर? ये पूरी खबर मन फिर समावाती वाला कुल्लू की तारीफ भी है, कुल्लू को खोला भी गया है, बल्कि खबर नहीं है बल्कि कुल्लू का बदल है कि हर एक जो कहाँ पर मौजूद है जमीन में भी है या आसमान में। आसमान में तमाम मलाइका है, जमीन में इंसान है, जिन है, और नहीं पता कि कौन सी मखलूक है जो अल्लाह के सामने जिसको भी चॉइस दिया गया वो हाजिर होगी। चलिए अब ये इसका पूरे का बदल भी हो सकता है, कुल्लून कौन है मन से समावाती। ठीक है यहाँ खबर है अभी तो समावाती वाल अपने समावाती से जान मजबूर हो गया, समावाती वाल अर्दी से ये दोनों अस मतूफ हो गए आपस में, कुल्लू से ही जा रहे थे। इनके बारे में कुछ नहीं कहा सर? इल्ला इनके बारे में सर इन सर नहीं लिया क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है इसलिए। हाँ तो ये एक हर्फ है, उसका इस्तेमाल अब तक आप जो है हर्फ नफी सर। हाँ हर्फ नफी है ये, जब भी इल्ला के साथ आता है ये उसमें निगेशन पैदा हो जाता है और इल्ला के बाद फिर ये जो है ये कुल्लू ये क्या बन जाएगा सर? कुल्लू जो है सर ये होगा ना मुक्तता हो गया, बाकी इल्ला के साथ क्या रिश्ता होगा कुल्लू का? कुल्लू सर ये इन कुल्लू तो इल्ला के हर से इस्तस्ना है। हाँ बिल्कुल सर, इसका मुस्तस्ना मिलू होगा सर? हाँ बिल्कुल होगा, जो है ये जो है मुस्तस्ना होगा, यानी दो चीजों का इल्ला से जिक्र होता है जो इसमें शामिल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे किस्म का जुमला है कि उसको आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए निगेशन से है कि जमीन में, चलिए क्या बताया था बोलिए तो सर? सर हम जैसे कौन है नहीं इन में, मतलब सवाल ये हो सकता है कि नहीं हो सकता सर कौन है नहीं? नहीं नहीं मतलब कौन नहीं है? सवालिया बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, सवालिया नहीं होगा सर। इल्ला हो गया तो आती है वो आता है रहमान, आता है नहीं? मुझे यहाँ तक ये दो टुकड़े इन कुल्लू मन से समावाती वाला यहाँ तक चाहिए, इल्ला की बात बात न करेंगे। अच्छा जी।
सर नहीं कुल्लू तमाम मन जो सिर्फ समावाते सर वही स्टेज में ले लीजिए इसको हम फिर आपके पर्स में रख देते हैं। सारा बदल हो गया इसका मन के समावाते इसको हम पर्स में रख लेंगे ठीक है अभी नहीं ठीक है। चलिए आप जो है इन कुल्लू है कोई भी कुल्लू माने कोई भी सारे के सारे ठीक है सर है ना सारे के सारे और वो क्या है फिर इल्ला के बाद क्या आ रहा है सर आखिर आखिर रहमानी वो आता है रहमान के पास। हाँ कैसे बंदगी में मेरे कोई ऐसा नहीं है जिसको रहमान के पास हाजिर नहीं होना है खाली हाजिर होना सीना खुला के नहीं गुरूर से नहीं बल्कि आबादन आजिजी से सर झुकाए हुए शर्मिंदगी से नेकोकार भी बहुत ही अपनी अबुदियत का सबूत वो मालिक हैं वो आखा हैं वो खालिक हैं उनके सामने कोई नेकोकार में ऐसे नहीं किया करा बल्कि गुरूर से आएगा तो तभी जो है उसको एक टांका लगा देंगे। इसीलिए इन कुल्लुन इल्ला आती अर्रहमानी और नहीं है कोई सिवाय आने के किसके पास रहमान के पास किस हालत में अबदा तो सर आती जो हो गया वो हो गया फेल फाइव वो आते हैं रहमान हो गया मफूल अबदा हाल हो गया सर। हाँ अबदा उसका हाल हो गया बहुत अच्छे यानि के साल में आएगा आजिजी से आएगा। अब ये कुल्लुन जो आया था अब उसको पॉकेट में से निकालेंगे निकाल के यहाँ ला के रखेंगे वो कुल्लुन कौन है मन फिस समावाती वलस जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो आबादन की हालत में आएंगे मिकाइल भी आएंगे और इज़राइल भी आएंगे कोई फरिश्ते भी आएंगे और दूसरे जो मलाइका हैं वो भी आएंगे तो सब अब्द की हालत में आएंगे बंदे की हालत में आएंगे आजिजी से आएंगे इंसान क्या आएगा तो आजिजी से आएगा अंबिया भी आएंगे तो आजिजी से आएंगे आप भी आएंगे तो आजिजी से आएंगे मैं भी जाऊंगा तो आजिजी से जाऊंगा तो अल्लाह उसको निगेशन से बयान कराए। कोई ऐसा नहीं है जो बच सकता है या कोई ऐसे मायने नहीं है लेकिन कोई ऐसा नहीं है सिवाय इसको के आना है रहमान के पास किस हालत में इंतहाई आजिजी की हालत में। अब वो कुल्लू कौन है उसमें परिंदे भी आने वाले हैं या फिर जानवर भी आने वाले हैं उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है जो खाओ बोले वही खाते हैं जो चुगो बोले वही चुगते हैं जहाँ रहने के लिए कहा गया घोंसला बना के रहते हैं जो भी है तो उनके पास चॉइस नहीं है तो उनके पास सवाल भी नहीं है उनकी पूछ भी नहीं है। अब ये जिसको भी चॉइस दिया गया वो है इंसान और जिन तो इनमें से जो भी आएगा मलाइका भी है लेकिन आएंगे जरूर आप किसी शक्ति लेकिन वो जो है उनके पास भी चॉइस नहीं है वो सिर्फ अल्लाह के तब ये पूरा जो है अल्लाह सुबहान तआला का अपनी शान बयान कर रहे हैं कि वो तो वो हैं जो अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह कोई बेटा है उसके पास पहले जाएंगे फिर वाल से मिलने जाएंगे नऊज़ बिल्लाह है ना वो सब के सब सिर्फ रहमान के पास अल्लाह के पास जो दुनिया में उनका रब है जो खिला रहा है पिला ला रहा है और फिर आखिरत में रहीम भी है तो वो कोई ऐसा नहीं है सिवाय आने के रहमान के पास आजिज़ी की हालत में। अब वो कुल्लुन की मजीद वजाहत जो पर्स में से निकाले थे मन से समावाती वलस जो भी है अब ये जो भी वही हो सकते हैं जिनके पास चॉइस है जो चाहे तो अपनी नफ्स के ऊपर चल सकते हैं या फिर चाहे तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी नहीं गुजर सकते। चलिए आप ब्रीफ करिए सर इन कुल्लू नहीं कुल्लू नहीं है तो तमाम जो कुछ आसमानों और जमीन कोई भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा कुल्लू तमाम के माने कोई भी कोई ऐसा नहीं है कोई ठीक है सर हाँ। कोई भी ऐसा नहीं कोई जो आसमानों और जमीन में मगर आज ही से जी सर पर्स में से भी मत निकालिए आप करते हो पर्स में रहेंगे इन कुल्लू इल्ला आतिया रहमानी ठीक है सर नहीं है तमाम नहीं है जो कोई भी मगर वो आता है रहमान के पास आजी से हाँ
हाँ जी जी सर। अब वो कौन है कुल्लू, नहीं है कोई भी, वो कोई कौन है? मन से समावाती वाला जी। वेरी गुड, खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर सर? एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, आप सवाल पहले ये बात। आपने कहा था सर मन और माँ का फर्क बताया था, जो मन जो है मतलब जिनमें अकल और शऊर होता है, जैसे जिन हो गए, इंसान, फरिश्ते, और माँ जो है वो शायद दरख्तों है, मतलब ऐसी चीज का सर कुछ डिफरेंस बताया था आपने, अब मुझे वो याद क्लियर थी। ये माँ के और मन के कई इस्तेमाल हैं। अल्लाह सुबहान तआला अपने लिए भी माँ खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, माँ खलकतु ये नहीं के मानो में आया के तौर पे, ऐसा कुछ वो नहीं है उसका डिफरेंस। बाद में फिलहाल जो है माँ अलग चीज होती है, मन भी है, मन कोई भी जो कोई भी के मानों में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब ये पूरी आयत इसमें इधर ने कौन है सर? मैं हूँ सर। छोटे छोटे दो ग्रामेटिकल सवाल है सर। कुल्लू जब मोस्टली जब आता है तो मजाक बन के आता है, तो क्या हम यहाँ पे इसको मजाक मजाक लय में ले सकते हैं कि कुल्लू और मजाक में क्यों बन के आता है सर? ज्यादातर कुल्लू शहीन, कुल्लू लाइक आता होगा कभी, कुल्लू शहीन जो है वो उसमें भी आता होगा हर चीज, लेकिन यहाँ पर तो पूरे किस्म के लिए आया, हर कोई, टोटल, एवरीवन, कोई ऐसा नहीं है, ये सारे मायने निकलेंगे, हर एक, तमाम के तमाम हाजिर होने वाले हैं रहमान के पास आज इस युग से। अब वो हर कौन कौन है तो वो मजाक मजाक से रह सकती यहाँ पर नहीं, इट्स जस्ट यूज एज ए इशू। और सर दूसरा सवाल ये कि इल्ला आती आतिफ रहमानी जो है, तो ये आती जो है ये फेल है या इसम है कि आने वाला, सिवाय के आने वाला रहमान के पास या आएगा रहमान के पास? आएगा रहमान के पास। सही लोग, थैंक यू। और जी सर, आप या साहब आज मेरा प्रोग्राम था कि इसको खत्म करेंगे इनसे सुबह बढ़िया, और छोटे छोटे सूत्र चलिए पढ़ू आगे। हाँ हाँ आगे बिल्कुल सही। लकद अहसा हूँ वअद्दा हूँ वअद्दा, तो सर लकद में एक लगा दूँ, अहसा हूँ में एक लगा दूँ, वअद्दा हूँ में एक लगाऊँ और अद्दा में लगा दूँ सर? जरा मैं इसको बोलूँ तो फिर आपकी बात को मानूंगा, कहाँ फरमाइए क्या करूँ, खत पे एक लगाऊँ? जी सर, फिर एक अहसा हूँ पे लगा दें, फिर एक वअद्दा हूँ पे लगा दें, फिर अद्दा कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करूँगा सर। लकत यकीनन, ये तकीत यकीनन, आहसा हूँ वो घेरे हुए हैं उनको, अद्दा हूँ और वो गिने हुए हैं उनको या शुमार कर रहे हैं उनको, अद्दा गिनती के साथ। ठीक है सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अद्दा का भी क्या कहती है इसके बारे में? लखत तो हो गया, ये हरकत ऐसी लखत किसके लिए आया? आशा हूँ को अद्दा हूँ अद्दा के लिए आया कि दिस इज हक, दिस इज डेफिनेट, ये होने वाला, ये होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हक है, अल्लाह की बात हक है। क्या दो बातें हैं? वो घेरे हुए हैं उनको, वो कौन है? अल्लाह रहमान। खत्म। फिर ये कोई अपना दूसरा फातिमा के साथ फरहत अहमद यूज करो। फरहत अहमद यूज करो। खान लतीफ खान केस में भी बहुत लोग आते हैं। अरे अरे, ये अपने प्राइवेट बातें क्लास में खान लतीफ खान का क्या अधिकार है? प्लीज यूट्यूब जीवी का भी माइक खुला है, अपने माइक को म्यूट करना तक नहीं आता है लोगों को, ये चीज थोड़ा मुझे इरिटेट करती। मैं हसन खा के आया था क्या? आज इरिटेट नहीं हो रहा था, मेरी हसन टूट जा रही है, तो फर्क देना पड़ेगा। कौन सा थी, कौन सी आया? 90 सर, 90 ये है, 94 हम कर रहे हैं। अच्छा,
तो यकीनन तकलीफ यकीनन हो गया लगा, मतलब होने को जरूर होना ही है, आसान है, ये हो रहा है, ये होता रहेगा, होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या है वो जो होने वाला है, वो घेरे हुए हैं उनको, खत्म के बारे में अल्लाह सुबहानहु ताला को जरूरत नहीं है मेरे आमाल का रिकॉर्ड रखने की, उनके इल्म में सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए, मुझे बताने के लिए, मुझे कन्विंस करने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया, एक किताब बना रहे हैं जो मेरे हाथ में दी जाएगी और मुझे बता दिया जाएगा कि ये तेरे आमाल थे, ये तूने कुछ नेकियां की थी, ये तेरी बुराइयां थी, तो ये इंसान के लिए है, ये हर एक को अल्लाह अपने इल्म में घेरे हुए है, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की पकड़ से बाहर है, तो फिर अल्लाह ही सब कुछ है, उसका कोई शरीक हो ही नहीं सकता, उसके लिए लकस है कि दिस इज हक, दिस इज डेफिनेट, ये बात बिल्कुल यकीन है कि हर एक को आशा हम कौन है ये तो हर एक को वो घेरे हुए सर रहमान, सर रहमान क्यों आपकी इको सबको जी सर आपकी आवाज इको हो रही है, हाँ जी सर पता नहीं क्यों, जी सर पता नहीं क्यों, कोई साहब खुले होंगे यहाँ पर, खुले होंगे यहाँ पर, ये चेक करो हमारा किसका माइक, नजीबा का हमेशा माइक खुला रखते हैं, क्या है नहीं, आप उसको म्यूट कर सकते हैं या मैं करूं, मैं करा तो फिर ये पूरे स्लैश चलेगा, अब बंद हो गया शायद, वाह और वा अच्छा हो गया सर, अच्छा हूँ वो गिन रहे हैं उनको, चलिए अब वो गिन रहा है, अल्लाह के साथ तो बेतकल्लुफी चलती है जी, वो गिन रहा है उनको अड्डा सर, एक एक करके या मतलब ये होगा सर वन बाय वन अड्डा, ये जोर देने के लिए कि गिनती वो कैसे गिनती है, किस किस्म की गिनती है, गिनती गिन रहा है उनकी, अब वो कई किस्म की गिनती हो सकती है, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, उनके अमल क्या है, कितने मिट रहे हैं, बुराइयां कितनी ऐड हो रही हैं, नेकियां कितनी नेकियां मिटाई जा रही हैं, कितनी बुराइयां लिखी जा रही हैं, वो सब किस किस्म की गिनती है, ये मुतशाबिहात में से है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ये हक है कि अल्लाह हर एक को उनको घेरा हुआ है, वो जो सब ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया या फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं या जो शिर्क भक्ते हैं अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह उनको घेरे में लिया हुआ है और उनकी हर लिहाज से उनको शुमार कर रहा है, उनकी बातों का शुमार कर रहा है, उनके अमाल का शुमार कर रहे हैं, और जैसा शुमार करना चाहिए अद्दन अद्दा, अभी अद्दा का क्या मुकाम है, क्योंकि ये मफूल उसके प्रोनाउंसिएशन थ्रू सही कर लीजिए, ये मुतलिक भी नहीं है, मुतलख भी नहीं है, मुतालिक मफूल मुतालिक, ये बोलिए मफूल मफूल सर, ये मुतालिक ताल्लुक वाला है सर, हाँ ताल्लुक वाला जो उसी फेल से ताल्लुक, ठीक है मफूल मुतालिक जी, ठीक है हो गया आपके तीन हो गए जी सर, 25 95 96 चार रह गए, आप किसके बारी है, शादिया सर, उससे पहले मैं एक सवाल है सर, आस्ता हूँ और अद्दा हूँ दोनों ही माजी के हैं कि घेर रखा है उनको और शुमार कर रखा है उनको, शुमार कर रहा नहीं है, शुमार कर रखा है, अच्छा माजी, एक सेकंड मेरी पहले बात सुन लीजिए, कुरान में एग्जैक्टली कोई वर्ब का सेगा माजी या मुजारे के मुताबिक होना जरूरी नहीं, एक बात लिख के रख लीजिए, अभी लिख लीजिए नोट के अल्लाह के पास जो मुस्तकबिल है वो ऐसा ही यकीनी है जैसा हमारे पास माजी है,
मैं कल क्या था आज क्या हूँ, कल मुझे मालूम है गुजरा हुआ कल। और उसी तरह से कल किसी को भी अपना पूरा पास्ट मालूम है, लेकिन मुस्तकबिल एक लम्हे के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह के पास जो मुस्तकबिल होता है वो भी कभी माजी की तरह, यहाँ पर हम ग्रामेटिकल ली वो किया था वो करेगा ऐसा कुछ नहीं, वो घेर रखा है। ये मुस्तकबिल भी हो सकता है माजी भी हो सकता है। अल्लाह का मुस्तकबिल इज एज श्योर एज अवर पास्ट, जैसा हमारा पास्ट हमको मालूम है, अल्लाह का मुस्तकबिल भी पास्ट की तरह पूरी कुरान में बेशुमार जगह। वी कैन नॉट टेक आउट ए सिंगल वर्ड एंड से यस इसको तो जो है वो घेर रखा है होना चाहिए था, इसको जो है फेल मुजारे। ये अल्लाह की मर्जी, जो उनके इल्म में है आखिर तक क़यामत तक जो लोग आते रहेंगे सबको घेरे रखे। एक किसी खास को पहले आदम अलैहिस्सलाम को घेरे में नहीं रखे थे, उनको नहीं गिनाए थे, क़यामत तक जो लोग आएंगे। और ये अल्लाह, एक बात सबके समझ में आ रही है, अल्लाह के पास जो मुस्तकबिल है वो उतना ही यकीनी है जितना हमारे पास पास्ट यकीनी है। हर एक जानता है ना, कभी बच्चे थे इसमें कोई डाउट है, कभी नमाजों के उतने पाबंद नहीं थे डाउट है, कभी इतने पाबंद हो गए डाउट है, नहीं है। हमारे मुस्तकबिल हमारे माजी के बारे में हमको यकीन है हम क्या थे माजी के कोई भी बात के बारे में, लेकिन हमारा मुस्तकबिल क्या है हमको एक लम्हे के बाद की खबर नहीं। लेकिन अल्लाह को क़यामत तक क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है, क्या हुआ था, ये सारी बातें अल्लाह के इल्म में है। तो ये जो अफ़ाल के जमाने आएंगे वो कोई अल्लाह के कलाम में कैद नहीं बनेंगे कि वहाँ पर माजी ही हो या मुजारे हो। अल्लाह जमाने की कैद में नहीं आते, उनका कलाम भी जमाने की कैद में नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम किसी चीज को अल्लाह माजी में क्यों बयान करे, मुस्तकबिल में क्यों नहीं बयान करते, ऐसी कई मिसालें हमको कुरान में मिलेंगी जिस जो आने वाले बातों का जिक्र होगा। लेकिन अल्लाह उसे माजी में बयान करते हैं इसलिए कि वो उतनी ही यकीनी है जितना इंसान के लिए उसका माजी। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? उसमें हम ग्रामेटिकली किसी वर्ग को अल्लाह के कौल में अल्लाह के कलाम में जज करने की कोशिश नहीं करें, इसलिए कि वो अल्लाह का मुस्तकबिल का जिक्र करना ऐसा ही है जैसे हम माजी को जानते हैं, अल्लाह का मुस्तकबिल भी उतना ही यकीनी। सर मायनों के लिहाज से तो आपकी वो तो बात मैं समझ गई, बस मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है वो माजी का सीगा है, तो हम इसको माजी की तरह पढ़ेंगे या मुस्तकबिल की तरह से? अहाता किए हुए, वो अहाता किए हुए हैं उसमें लेंगे, अहाता करेंगे, अहाता किए हुए थे और उनको वो गिन रहे थे, गिन रहे हैं, गिन रहे, गिनते रहेंगे। गिनती वो कैसे गिनती है वही बेहतर जानते हैं। दीज वर्ड्स फिट इन ऑल द अल्लाह के शुमार में है तो शैल वी स्टॉप और नेक्स्ट क्लास में ये चार खत्म होते हैं इंशाल्लाह। हम सूरह ताहा भी शुरू कर देंगे और बिल्कुल छोटी छोटी आते हैं तो शायद ये तीन है शायद और एक है किसी की जी। अब चार करके खत्म करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सुगरा बेगम सूरह ताहा शुरू करेंगी और फिर सर इनके बाद पहले परत थी, अब उनको आपने शायद थोड़ा टाइम लेने को कहा है तो उनको शामिल करूं या अभी उनको और टाइम दूं? नहीं आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको और ये तुम्हारा सीक्वेंस में कौन है उनको ले लो, उसके बाद फिर इनके बाद करेंगे। ठीक है, हमारे फिजिकल क्लास के सीक्वेंस में कौन कौन है उनको ले लो। ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह, जजाक इसके बाद सुगरा के बाद जी सुगरा के बाद हमारी राहिला है और फिर वही जो कंटिन्यू राहिला के बाद सदफ है, फिर साजिदा है, फिर
फिर मेरा ख्याल है मैं हूँ या मेरे बाद वो दो हैं? कौन है? तुमसे पहले एक उसको नजीबा को दे दो, उससे पूछ लो, पहले कंसर्न ले लो। डू यू वॉन्ट टू रीड इट नजीबा? नजीबा है क्लास में, शोहरा तो है, मैं भी हूँ, नजीबा भी है। हाँ नजीबा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हेलो साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे दी गई थी फिर उससे हमारा उससे पहले दो नजीबा और क्या। हाँ मगर मेरा हाँ तुम रहेंगे नहीं रहेंगे इसलिए मैं प्रीफर नहीं कर रहा था। ओके तो हमारा सिर्फ जो है नजीबा को जो भी मुमताज का दर्शन नहीं है वो यहाँ रहेगी या दुबई चले। हाँ हाँ तो अभी उसको फिलहाल ये सीक्वेंस अभी चलने दो, फिर अभी जब हम करीब आएंगे उस वक्त तुम्हारे से पहले एक नजीबा को दो, फिर तुम रहेंगे। और अभी तो ये हो गया ना राशिदा से और नजीबा को मुझसे पहले मैं कर दूंगी दोनों को इंशाल्लाह। नहीं नहीं ममता उसको नहीं, नजीबा को ही करो, ममता को भरोसा नहीं, इंडिया और समय सिर्फ नजीबा करके फिर तुम अपना नंबर लगा। और जब इकबाल भी तो है, इकबाल हाँ इकबाल को कर दो नजीबा और इकबाल करके तुम्हारा रखो, फिर उसके बाद हम पूछेंगे और कौन है। ठीक है सर इंशाल्लाह। और फिर मैं थोड़ा सा मेथड में तब्दीली लाया, आप महसूस करेंगे कि अगर कोई कहीं रुकता है तो आई एम आस्किंग द सीनियर पीपल टू हेल्प देम, या उसमें क्या है वो उसको समझे, तो उसमें आपको हरेक को अपनी आयत की ही प्रैक्टिस नहीं करना है, वो दो तीन आयतें या पांच आयतें जो हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और जब भी कोई आदमी रुकेगा चाहे पुराना हो या नया हो, आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू एनी वन, आई थिंक वन हु नोस, क्वेश्चन में सवाल करूंगा तो वो अटेंटिव रहेगा तो ही जवाब दे सकेगा। इन दैट वे यू शुड बी अटेंटिव एंड बी रेडी टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। अब थोड़ा सा फर्क महसूस करेंगे आप कल से कि मैं खुद बोलने की बजाय दूसरों से पूछ रहा हूँ कि कैन एनी वन हेल्प दिस रीडर, डिड यू फाइंड द चेंज इन इट? इससे बहुत इन्वॉल्वमेंट रही सबकी और काफी मजा आया है सर आज। मेरे पास ऐसी कुछ इतना लगी थी कि बहुत से लोग अपना फोन चालू करके झाड़ू बर्तन में लग जा रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, दैट इज वेरी बैड, हम सब आपसे महरूम हो जाएंगे। किसी वक्त भी आपको पुकारा जा सकता है और फिर आपसे सवाल किया जा सकता है, उस आयत में आप पहले से तैयार हो और जहाँ कोई गलती कर रहा है उसकी गलती को पॉइंट आउट करें। नेक्स्ट टाइम अगर वो नाजरे की गलती भी करता है तो आई विल आस्क समवन व्हाट इज द मिस्टेक एंड व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, नाजरे में भी वो सवाल करूंगा बजाय खुद करेक्शन करने के। आई विल आस्क समवन टू करेक्ट द फर्स्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड देन करेक्ट इट। ओके लेट बी ओके हमारा सर? यस सर। ओके चलिए, कोई नहीं था वो हौसला थोड़ा वो हो गया था लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सब हिम्मत से लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। सॉरी सर अबाउट आपको ने कुछ सुना होगा उसके बारे में। नहीं, मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ मगर मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है, अलबत्त उसको मैं गौर करता हूँ कि हाउ टू मैनेज दूसरों को कैसे सहूलत के लिए क्या करना चाहिए दैट आई डू, और वो जो है मैं अपने तरकीबों में उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इन्वॉल्व एवरी वन। ये सदत हमारे सदफ हुसैन का हाथ क्यों उठा हुआ है, कुछ पूछना चाहती है? ठीक है जो है क्या है बोलो सदफ। हाँ भाग्य सर, वो आपने फ्राइडे को जो पूछा थी उसमें जो आपने जमा मुकसर और जमा सालिम बताया था उसको थोड़ा सारा रिपीट कर दीजिएगा मुझे डेफिनेशन के लिए। जुमे की क्लास, जुमे की और किसको और रिपीट करना है हमारे को बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिपीट। ठीक है सर।
मुकसर तो हम टच ही नहीं करे, लेकिन सालिम करे थे, अगेन आई विल रिपीट इंशाल्लाह। मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं तो खैर मेरे तो कोई को फोन करता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। उमरा को बता दीजिए एंड शी विल लेट मी नो। चलिए हमारा कमान ओके रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाह हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए, हम सब ने जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें हमारे लिए आसानी और इस्तेक़ामत पैदा कर दीजिए, और हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, और जो गलतियाँ हमसे जाए सीखने में समझने में उसे अपनी रहमत से माफ फरमा दीजिए, और जितने तमाम शुरखा इस महफिल में उन सब की जायज ख्वाहिशात को मुरादों को पूरा कीजिए, और हम सब को हम सब के लिए हमारे दिलों को खोल दीजिए, जहनों को, ताकि हमारे लिए एक काम आसान हो जाए। ये अल्लाह आप माफ फरमाने वाले, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। Well, all of you. Love is...